हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीआईटी यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम आगे का नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले हम एक बार फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो टॉपिक है उसे रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने आपको ये पहले भी दो बार कवर करा दिया है, बट स्टिल एक बार रिवाइज करेंगे उसे। नाउ व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, दो कॉन्स्ट्रेंट सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होते हैं जो एट्रीब्यूट्स के बीच में किसी भी रिलेशन में। नाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेज दैट इफ टू टपल्स हैव सेम वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स a1 अप टू an, देन दोज टू टपल्स मस्ट हैव सेम वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स b1 अप टू bn। फंक्शनल डिपेंडेंसी कहती है कि अगर दो टपल्स हैं, किसी भी टेबल के दो रोज हैं, अगर उनमें सेम वैल्यू है एट्रीब्यूट्स a1 से लेके an के लिए, तो उन दोनों टपल्स की सेम वैल्यू होगी एट्रीब्यूट b1 से लेके bn के लिए। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल बाय रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो साइन। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर x एरो y लिखा है तो इधर इसका मतलब होगा कि x फंक्शनली डिटरमाइंस y, द लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द राइट हैंड साइड। जो x लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज x डिटरमाइन करता है वैल्यू y की, ठीक है। नाउ आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स क्या होते हैं? इफ f इज अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज देन द क्लोजर ऑफ f denoted as f plus is the set of all functional dependencies logically implied by f। अगर f एक set of functional dependencies है किसी भी closure के लिए, ठीक है, अगर f है set functional dependencies का, तो अगर f का closure होगा तो वो contain करेगा set functional dependencies का जो logically implied की जाएगी f से। Armstrong's axioms are a set of rules that when applied repeatedly generate a closure of functional dependencies। Armstrong's के axioms जो होते हैं वो set of rules हैं जो जब apply किए जाते हैं repeatedly तो एक functional dependency का closure generate करते हैं। Now सबसे पहले आता है reflexive rule। If alpha is a set of attributes and beta is a subset of alpha, then alpha holds beta। Reflexive rule कहता है कि अगर अल्फा किसी भी एट्रीब्यूट का सेट है और बीटा सबसेट है अल्फा का, तो अल्फा होल्ड करेगा बीटा को। नाउ व्हाट इज ऑगमेंटेशन रूल? इफ ए रिप्रेजेंट्स बी देन एंड होल्ड्स एंड वाई इज एट्रीब्यूट सेट, देन ए वाई रिप्रेजेंट्स डिटरमाइंस बी वाई ऑल्सो होल्ड्स। अगर ए बी फंक्शन डिपेंडेंट है, ए बी या ए रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो वाई डिटरमाइन कर रहा है बी को, तो और वाई अगर कोई एट्रीब्यूट का सेट है तो ए वाई भी डिटरमाइन करेगा बी वाई को। दैट इज एडिंग एट्रीब्यूट्स इन डिपेंडेंसी डज नॉट चेंज द बेसिक डिपेंडेंसीज। मतलब ये क्या है, स्कूल का कहने का मतलब ये है कि अगर आप कितने भी एट्रीब्यूट से एड कर रहे हैं तो वो बेसिक डिपेंडेंसीज को चेंज नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं डालेगा। Now what is transitivity rule? Same as transitive rule in algebra, if A tends to B holds and B tends to C holds, then A tends to C also holds. Is called a functionally that determines B. Transitivity rule algebra की तरह ही है कि अगर A आपको कह रही पड़े कि अगर A represents A who determines B को करता है, बी डिटरमाइन सी को करता है, तो ए डिटरमाइन करेगा ऑटोमेटिकली सी को। ये कहते हैं ट्रांसिटिव रूल। नाउ व्हाट इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी? ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टू वाई होल्स वेयर वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ऑलवेज ट्रू। अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टू वाई होल्ड कर रही है तो जहां जिस तरह वाई एक सबसेट है एक्स का, तो वो एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करती है। अब पर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहती है कि अगर एक्स टू वाई होल्ड करता है, जिस जहां वाई सबसेट नहीं है
कंप्लीट नॉन ट्रिविअल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब कि सपोज x फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है y को, लेकिन x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनके इंटरसेक्शन नल है, तो हम कहेंगे वो है नॉन ट्रिविअल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इफ अ डेटाबेस इज नॉट परफेक्ट इट मे कंटेन एनोमलीज व्हिच आर लाइक अ बैड ड्रीम फॉर एनी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेजिंग अ डेटाबेस विद एनोमलीज इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोई डेटाबेस डिजाइन परफेक्ट नहीं होता तो उसमें एनोमलीज हो सकती है, जो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब किसी भी डेटाबेस को मैनेज करना एनोमलीज के साथ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब किस तरह की एनोमलीज हो सकती है वो मैंने बताया था, अपडेट एनोमली, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली। क्या थी सबसे जो आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ, अपडेट एनोमली क्या थी? इफ डेटा आइटम्स आर स्कैटर्ड एंड आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर प्रॉपर्ली देन इट कुड लीड टू स्ट्रेंज सिचुएशंस। अगर डेटा आइटम्स बिखरे पड़े हैं, स्कैटर्ड है और लेकिन एक दूसरे से लिंक भी नहीं हो रहे प्रॉपर्ली, तो उस केस में स्ट्रेंज वियर्ड सिचुएशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्राई टू अपडेट वन डेटा आइटम हैविंग इट्स कॉपी स्कैटर्ड ओवर सेवन डेज। जब हम चाहते हैं कि हम इस डेटा आइटम को अपडेट करें, उसकी कॉपीज को हम स्कैटर कर देंगे अलग अलग जगहों पे। अ फ्यू इंस्टेंसेस गेट अपडेटेड प्रॉपर्ली व्हाइल अ फ्यू अदर्स आर लेफ्ट विद ओल्ड वैल्यूज। ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जो प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएंगे, पर कुछ इंस्टेंसेस हैं जो जिसमें पुरानी ही वैल्यूज रह जाएंगी। इस तरह के इंस्टेंसेस को हम डेटाबेस, इस तरह के इंस्टेंसेस डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं अपडेट एनोमली। Now what is deletion anomalies? We try to delete a record but parts of it was left undeleted because of unawareness the data is also saved somewhere else. Suppose हम कोई record delete करना चाहते हैं पर कुछ part data का undeleted रह गया है, क्योंकि हमें पता नहीं था क्यों वहां पर है, उसमें हमारी unawareness है उस चीज से, तो data को हम कहीं और भी save कर सकते हैं। अब insert anomaly क्या होती है? We try to insert data in a record that does not exist. अगर सपोज हम डेटा को उस जगह इस ऐसे रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाह रहे थे ना जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कहलाएगी इंसर्शन एनोमली। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज अ मेथड टू रिमूव ऑल दिस एनोमलीज एंड मेक द डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एक्चुअली, कि हम हर तरह के टेबल सिचुएशन के हिसाब से नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से डीकम्पोज कर देते हैं। क्यों? नॉर्मलाइजेशन एक मेथड है जो एनोमलीज को रिमूव करता है और डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में डालने की मदद करता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इटसेल्फ। दिस रूल डिफाइंस दैट ऑल द एटम्स इन रिलेशन मस्ट हैव एटॉमिक डोमेन्स। द वैल्यू इन एटॉमिक डोमेन आर इंडिविजिबल यूनिट्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? ये रिलेशन के हिसाब से टेबल बताती है कि ये भी ये कहते हैं कि सारे एटीट्यूड्स एटॉमिक डोमेन्स में होने चाहिए। हर वैल्यू की हर वैल्यू की एटॉमिक डोमेन इंडिविजिबल होनी चाहिए। सपोज ये हमारी टेबल है जिसमें दो एटीट्यूड है, कोर्सेस और कंटेंट। अब कोर्स हमारा प्रोग्रामिंग, कंटेंट है इसका जावा सी प्लस प्लस, दूसरे कोर्स है वेब, इसका कंटेंट है एचटीएमएल, पीएचटी, एएसटी। अब हम ये कहते हैं कि अगर सपोज कोर्स में प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में कंटेंट अगर मैंने जो भी था तो क्या मैं इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं रख सकती? ये कहते हैं कोर्स नॉर्मल फॉर्म की आपको एटॉमिक वैल्यूज रखनी टेबल में अलग अलग जगह। अब ये जो अब टेबल जो नई बनेगी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के, वो इस तरह आएगी, एक जगह कोर्स होगा, एक जगह कंटेंट। प्रोग्रामिंग के दो कॉलम बन जाएंगे, प्रोग्रामिंग में जावा भी है, प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस भी है, वेब में एचटीएमएल भी है, वेब में पीएचपी भी है, वेब में एएसपी भी है। ईच एटीट्यूड मस्ट कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम इट्स प्री डिफाइंड डोमेन। हर एटीट्यूड की एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए इसकी प्री डिफाइंड डोमेन। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? Before we learn about the second normal form, we need to understand the following attributes. एक होता है prime attribute, दूसरा होता है non-prime attribute. अब दोनों में difference क्या क्या होता है? Prime attribute वो part है candidate का, key का, जो attribute, अच्छा simply हम जान लेते हैं prime attribute वो होता है जो candidate key का एक part होता है, ठीक है? Any attribute which is a part of candidate key is known as prime attribute. नॉन प्राइम एटीट्यूड क्या होता है? अ नॉन प्राइम एटीट्यूड इज दैट एटीट्यूड व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है? इज सेड
of x for y for which y is a also holds. Second normal form अब हम करेंगे लेकिन second normal form ये भी कहती है हर normal product prime attribute fully functionally dependent होने चाहिए prime attribute पे. ठीक है अब suppose this is a table student की ये है student ID से attribute है project ID student name project name. We see here in student project relation that the prime key attributes are student ID and project ID. According to the rule, non key attributes are student name and project name must be dependent upon both and not on any of the prime key attributes individually. But we find the student name can be identified by student ID and project name can be identified by project ID independently. This is called partial dependency, which is not allowed in second order form. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि कोई भी किसी भी टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती. पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है सपोज एक टेबल है स्टूडेंट आईडी इसका एट्रीब्यूट है प्रोजेक्ट आईडी है स्टूडेंट नेम है और प्रोजेक्ट नेम है. अब आप देख सकते हो कि स्टूडेंट यहाँ पे प्राइम की एट्रीब्यूट है माने स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी. क्यों प्राइम की एट्रीब्यूट क्यों की है क्योंकि स्टूडेंट आईडी से आप एक बाकी सारा डेटा निकाल सकते हो. इसी तरह अगर स्टूडेंट आईडी का मतलब प्रोजेक्ट आईडी पता था बाकी सारा डेटा निकाल सकते हो. मतलब प्रोजेक्ट आईडी से आपको प्रोजेक्ट नेम मिल सकता है स्टूडेंट आईडी से आपको स्टूडेंट नेम मिल सकता है. अब जो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है यहाँ पे वो है स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम. अब पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि कोई भी प्राइम की ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट की या कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जैसे यहाँ पे हो गया स्टूडेंट आईडी नेम प्रोजेक्ट नेम वो दोनों पे डिपेंडेंट होना चाहिए ना कि किसी एक प्राइम के एट्रीब्यूट पे. ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस एनोमली को दूर करने के लिए हम स्टूडेंट की दो टेबल्स बना देंगे. एक स्टूडेंट की जिसमें होगी स्टूडेंट की आईडी स्टूडेंट का नेम प्रोजेक्ट की आईडी. दूसरी टेबल बना देंगे प्रोजेक्ट की जिसमें आई प्रोजेक्ट की आईडी और प्रोजेक्ट का नेम. नाउ वी ड्रॉ द रिलेशन टू एज डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर. सो देयर एग्जिस्ट नो पार्शियल डिपेंडेंसी. हमने इस टेबल को क्यों दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करे. अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं. फॉर अ रिलेशन टू बी थर्ड नॉर्मल फॉर्म इट मस्ट बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड फॉलोइंग मस्ट सैटिस्फाई. अगर हम चाहते हैं कि कोई भी टेबल की कोई भी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो उसके लिए ये दो कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए. क्या क्या है नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइम के एट्रीब्यूट. फॉर एनी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टू ए देन ईदर एक्स इज अ सुपर की और ए इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. अगर कोई पहले तो ये होता है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होता है प्राइम की एट्रीब्यूट पे ठीक नहीं हो सकता. और किसी भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टू ए अगर एग्जिस्ट करती है तो या तो एक्स सुपर की हो या फिर ए प्राइम एट्रीब्यूट. अब इसे एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल जिसके एट्रीब्यूट से स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम सिटी जिप कोड. वी फाइंड दैट इन द अबव स्टूडेंट डिटेल रिलेशन स्टूडेंट आईडी इज द की एंड ओनली प्राइम की एट्रीब्यूट. वी फाइंड इट सिटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टूडेंट आईडी एज वेल एज सिटी इटसेल्फ. नीदर जिप इज अ सुपर की नॉर इज सिटी अ प्राइम एट्रीब्यूट. अब देखो इस टेबल में हमें पता है कि स्टूडेंट आईडी हमारी की है और प्राइम की एट्रीब्यूट. सिटी हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट आईडी से और जिप भी निकाल सकते हैं. ठीक अब ना तो जिप सुपर की है ना ही सिटी प्राइम एट्रीब्यूट है. एडिशनली स्टूडेंट आईडी से जिप कोड मिल जाएगा जिप कोड से सिटी मिल जाएगा. तो यहां पर क्या है एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है. अब टू ब्रेक दिस रिलेशन इन टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म यू ब्रेक द रिलेशन इन टू टू रिलेशन. अब अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उसके लिए हम इस टेबल को ब्रेक कर देंगे. पहले मिल जाएगी स्टूडेंट डिटेल की जिसमें आएंगे स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम और जिप. फिर दूसरी बनेगी जिप कोड की जिसमें आएगा जिप और सिटी. ठीक फिर आती है आपकी वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म. वॉइस कॉड नॉर्मल